आपके साथ प्रेरणा। आमिर खान लंबे समय बाद फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग लद्दाख के वाखा गांव में भी की गई है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही यह विवादों में घिर गई है और उसका कारण है कचरा। जी हां, वाखा में शूटिंग के बाद फिल्म की टीम और आमिर खान पर वाखा में कचरा फैलाने का आरोप लगा है। तो चलिए देखते हैं किसने लगाया है ये आरोप और इस पर आमिर खान की टीम का क्या कहना है। आमिर के समय बाद ऑन स्क्रीन पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे। फिल्म का शूट हाल ही में लद्दाख के वाखा गांव में कंप्लीट हुआ है और उसी के साथ वाखा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वहां फैले हुए कचरे को दिखाया गया है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शूटिंग के बाद का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आसपास फैला कचरा दिखाई दे रहा था, जिससे पता चलता है कि गांव को प्रदूषित किया गया है और टीम हर जगह कचरा छोड़ रही है। वीडियो को पोस्ट करने वाले शख्स का नाम जिगमत लद्दाखी है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ये तोहफा है बॉलीवुड स्टार आमिर खान की तरफ से लद्दाख के वाखा गांव वालों के लिए जो फिल्म लाल सिंह चड्ढा की टीम छोड़ गई है। आमिर खान खुद सत्यमेव जयते में पर्यावरण की सफाई की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो ऐसा ही होता है। टीम ने शूटिंग के बाद गांव से जाने से पहले कचरे का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं समझा। वीडियो सामने आने के बाद एक और यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया और लिखा, फिल्म रंग दे बसंती 2006 में आई थी और उस फिल्म के बाद नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बियर की बोतलों से डंप यार्ड की तरह हो गया था। हमारी टीम ने सेंचुरी के दो इलाकों से 3 टन टूटी बोतलें इकट्ठा की थी। अब इस आरोप पर आमिर खान की टीम ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। आमिर खान प्रोडक्शंस ने इन दावों को खारिज कर दिया है कि लाल सिंह चड्ढा शूटिंग टीम ने लद्दाख में एक शूटिंग लोकेशन को प्रदूषित किया और उस जगह को गंदा छोड़ दिया। आमिर खान की टीम ने एक बयान जारी किया है जिसमें लिखा है, आमिर खान प्रोडक्शंस बताना चाहेगा कि एक कंपनी के रूप में हम अपने शूटिंग लोकेशंस में और उसके आसपास सफाई के लिए सख्त प्रोटोकॉल की पालना करते हैं। हमारे पास एक टीम है जो यह सुनिश्चित करती है कि लोकेशन को हर समय कचरा मुक्त रखा जाए। दिन के आखिरी में पूरी लोकेशन की फिर से जांच की जाती है। पूरे शेड्यूल के आखिर में हम ये ध्यान रखते हैं कि जब हम किसी स्थान को छोड़ रहे हैं तो हम उसे उससे कहीं ज्यादा साफ सुथरा छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि हमारे स्थान को साफ नहीं रखने के बारे में कुछ अफवाहें और आरोप हैं। हम इस तरह के दावों को खंडन करते हैं। हमारी लोकेशन लोकल अथॉरिटीज की जांच के लिए हमेशा ओपन है, वे जब चाहें आ सकते हैं। आमिर खान और उनकी टीम पर लगे आरोप कितने सही हैं और ये कहना मुश्किल है, पर अब फिल्म की टीम रिलीज से पहले विवादों में तो आ ही चुकी है। इन आरोपों का फिल्म की रिलीज पर क्या असर पड़ता है ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। पर आप इन आरोपों से कितने सहमत हैं और कितने नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।